मोहतरम जनाब कामरान फजल साहब लंदन यूके, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद फरमाया, आपका सवाल मौसूल और जवाब हाजिर। आपने पूछा कि मैंने सुना है कि लोग इसलिए नेक लोगों के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते क्योंकि वो खुद बहुत नेक नहीं। मोहतरम कामरान साहब, ऐसा नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी नेक भी हो तो अपने से नेक आदमी को अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला बनाना जायज है, और अगर किसी को वसीला बनाया जाए तो उसका तर्जुमा बकौल आपके अगर ये हो कि वो नेक नहीं, ये भी आपका नजरिया बिल्कुल गलत। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ में बाब इस्तिस्का में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला जो बड़े नेक है, और उनके नेक होने में किसे शक हो सकता, बल्कि वो अशरा मुबशरा में से, उनको जन्नत की सनद तो अल्लाह और उसके रसूल ने दुनिया ही में दी, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने बारिश के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को मिंबर शरीफ पर बिठाया और उनके वसीले और तवस्सुल से बारिश की दुआ की और बारिश हुई। क्या इस वाकये में जिसको इमाम बुखारी नकल किया कोई शख्स ये कह सकता कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला नेक न थे, बल्कि हजरत उमर का नजरिया यह था कि हजरत अब्बास हुजूर के चचा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हैं, इसलिए उनके चचा के वसीले से दुआ की जाए और उनके दुआ करने पर बारिश हुई। लिहाजा ये नजरिया गलत है कि वसीले से वो लोग दुआ करें कि खुद नेक नहीं होते, ये ऐसा नहीं। हां, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि हम नेक नहीं, लेकिन हम जिनको अल्लाह की बारगाह में वसीला कहते हैं वो नेक हैं, हम अपने लिए तो कह सकते हैं, लेकिन ये कोई कायदा नहीं कि जो शख्स वसीले से दुआ करे वो बद हो और इसलिए वो नेक लोगों के वसीले से दुआ कर रहा हो, तो ऐसा नहीं।